जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है वो क्या है, वो कोलिन एंटी कोलिन स्ट्रेस एजेंट है सही, और वो जो है वो रिवर्सली बाइंड होता है सही। इसमें पहला ड्रग जो है वो एंडोफोनियम है, एंडोफोनियम जो है वो रिवर्सली बाइंड होगा सही, और एंडोफोनियम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर है सही। उसका एक्शन और ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट है, वो 10 से 20 मिनट के लिए सही। और वो जो है एंडोफोनियम जो है वो मतलब कि रिवर्सली जो है वो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के साथ बाइंड होगा सही। और वो जो है एंडोफोनियम जो है वो हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीसिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं बेसिकली। एंडोफोनियम को हम क्या, एंडोफोनियम इंट्रावेनियसली हम एंडोफोनियम को देते हैं, और एंडोफोनियम जो है वो मसल स्ट्रेंथ पेशेंट जो मायस्थीसिया ग्रेविस के जो पेशेंट्स हैं ना, उन पेशेंट है उनमें जो है ये मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है सही। उसके अलावा ये क्या करता है कि ये ड्रग जो है वो बेसिकली वो हेल्प करते हैं द डिफरेंशिएट बिटवीन कोलिनर्जिक और मायस्थीसिया क्राइसिस के सही। और अगर हम एंडोफोनियम की ज़्यादा क्वांटिटी दे देंगे ना तो ये कोलिनर्जिक क्राइसिस भी करवा देता है। उसके अलावा जो है एंडोफोनियम हेल्प करता है बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन कोलिनर्जिक और मायस्थीसिया ग्रेविस क्राइसिस के डिफरेंशिएट करता है। उसका इसका एंटीडोट जो है वो एट्रोपिन है। इसके अलावा फिजियोस्टिग्मिन किसके पे एक्ट करता है, बेसिकली फिजियोस्टिग्मिन जो है वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मियोसिस करवाता है, ब्रैडीकार्डिया और हाइपोटेंशन करवाता है। उसके अलावा फिजियोस्टिग्मिन जो है वो CNS में पेनिट्रेट कर जाता है। उसके अलावा हम इसका थेरेप्यूटिक यूज़ किया कि फिजियोस्टिग्मिन जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन, अगर जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के जो वो ड्रग जिनका एंटी कोलिनर्जिक एक्शन होता है अगर उनकी ओवरडोज हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए हम फिजियोस्टिग्मिन देते हैं। फिजियोस्टिग्मिन हम क्यों देते हैं, वो ड्रग जिनका एंटी कोलिनर्जिक एक्शन होता है अगर उनकी उन ड्रग्स की ओवरडोज हो जाएगी तो उसको ट्रीट करने के लिए हम फिजियोस्टिग्मिन देंगे। उसके अलावा इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये अगर हम ये कन्वर्जन करवा सकते हैं, ब्रैडीकार्डिया करवा सकते हैं, फॉल इन आउटपुट हो सकती है। उसके अलावा ये स्केलेटन मसल की पैरालिसिस करवा सकते हैं। उसके अलावा न्यूस्टिग्मिन जो है वो उसका एक्शन भी जो है फिजियोस्टिग्मिन की तरह है लेकिन वो मोर पोलर है न्यूस्टिग्मिन, और जो है वो GIT और CNS में GIT से पोअरली एब्जॉर्ब होता है, CNS में इंटर नहीं हो सकता, जबकि फिजियोस्टिग्मिन जो है वो CNS में इंटर हो सकता है, जबकि न्यूस्टिग्मिन जो है वो जो कि मोर पोलर है इसलिए वो CNS में इंटर नहीं हो सकता। उसके अलावा इसका जो है स्केलेटन मसल पर ज़्यादा एक्शन होता है, ये स्केलेटन मसल की पहले स्केलेटन मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, उसके बाद ये पैरालिसिस करवा देता है। इसकी एक्शन ड्यूरेशन जो है वो 30 से 2 घंटे तक है, 30 मिनट से 2 घंटे तक है। उसके अलावा इसका थेरेप्यूटिक यूज़ किया है कि ये मायस्थीसिया ग्रेविस के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए यूज़ कर होता है। इस थेरेप्यूटिक यूज़ किया कि ये यूज़ करते हैं मायस्थीसिया ग्रेविस के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट है सलाइवेशन है, फ्लशिंग है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्रोंकियोस्पैसम है। उसके अलावा जिन पेशेंट्स में न्यूस्टिग्मिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उन पेशेंट्स में जिनमें इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट, जिन पेशेंट्स में यूरिनरी ब्लैडर और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होंगी उनमें हम न्यूस्टिग्मिन नहीं देंगे। उसके बाद पैराइडोस्टिग्मिन है, पैराइडोस्टिग्मिन जो है वो ट्रीटमेंट करवाता है मायस्थीसिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। मायस्थीसिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए पैराइडोस्टिग्मिन देते हैं, जबकि सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए न्यूस्टिग्मिन देते हैं, और डायग्नोज करने के लिए मायस्थीसिया ग्रेविस को एंडोफोनियम देते हैं। बेसिकली पॉइंट है, बेसिकली में पूछते हैं। उसके बाद डोनिपिजोल रेविस्टिग्मिन गैलेक्टिमाइन है, ये जो है ये अल्जाइमर पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग देते हैं। अच्छा, अब जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ये इरिवर्सिबल है, वो जो है वो रिवर्सिबल थे, ये इनरिवर्सिबल है। इनरिवर्सिबल क्या है, बेसिकली ये लोग ये जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड होते हैं जो कोवलेंट भी बाइंड करते हैं एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के साथ। जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होती सही, और ये जो है ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के साथ कोवलेंट भी बाउंड होते हैं, तो इससे क्या होता है कि अब एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस को ये इनहिबिट कर देते हैं। तो अब अगर हमें एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस को स्टिमुलेट करना होगा तो हमें नया एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अब ये इरिवर्सिबल, अब ये परमानेंटली इनहिबिट हो गया, से अब ये इनहेंस नहीं हो सकता, इस
स्ट्रेस न्यू इंजाइम बनाना पड़ता है। अब ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं। उसके अलावा इकोथायरोफेट का मैकेनिज्म और एक्शन क्या है, ये परमानेंटली इनएक्टिव कर देता है एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस की एक्टिविटी को, तो हमें एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस न्यू सिंथेसिस करना पड़ता है। उसके अलावा इसका एक्शन क्या है कि मोटर पैरालिसिस करवा देता है, मोटर फंक्शन की पैरालिसिस करवा देते हैं, और ये कन्वर्जन है, सही कन्वर्जन करवा सकते हैं। कन्वर्जन भी मतलब कि चीज़ें की तरह का होता है कि डोरे वगैरह पड़ते हैं इसमें भी, सही। उसके अलावा मियोसिस करवाता है ये, थेरापीटिक यूज़ किया है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में देते हैं, सही। उसके अलावा जो एंटीकोलिन स्ट्रेस एजेंट है उनके टॉक्सिसिटी क्या है, जो इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलाइन इनहिबिटर्स होते हैं जो एसिटाइलकोलाइन स्ट्रेस से इनरिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं, जैसे कि इकोथायरोफेट वो ऑर्गेनोफॉस्फेट भी होते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जैसे कि इकोथायरोफेट ये जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, तो ये इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं टू किल इंसेक्ट्स वगैरह, इनको हम इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं।